उज्जैन जिले के बड़नगर में सब्जी मार्केट एरिया अंजुमन गली में एक और कोरोना संदिग्ध मिलने से नगर में दहशत का माहौल बन गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एरिया को सील कर दिया, वहीं सैनिटाइज भी किया गया। खबर मिलते ही तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारी, वहीं एकता जायसवाल, तहसीलदार सुरेश नागर, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलदीप किसुक द्वारा एरिया मुआयना कर एरिया को सील किया गया। अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल द्वारा संदिग्ध मरीज के परिजनों को सांत्वना दी गई कि वे घबराए नहीं, अभी संदिग्ध है जिसकी जांच आगे भेजी जाएगी। एहतियात के तौर पर एरिया सैनिटाइज कर सील करने की कार्यवाही की गई, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं बता दें कि बड़नगर के अंजुमन गली में कोरोना संदिग्ध मरीज का यह दूसरा मामला है। इसके पूर्व अंजुमन गली में रहने वाली महिला संदिग्ध मिली थी जिसकी जांच नेगेटिव आई थी। अब नगर में यह दूसरा मामला है जब संदिग्ध मरीज पाया गया। इसकी जांच आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं बता दें कि वर्तमान में संदिग्ध मिले मिराज निजामुद्दीन पिता गुलाम हुसैन सब्जी का व्यापारी है और धार एवं राजौर क्षेत्र से इनके पास सब्जी आती है। निजामुद्दीन को खांसी हो रही थी जिसका इलाज नगर के एक निजी चिकित्सालय में 2 दिन से चल रहा था, लेकिन रविवार को उनकी जांच एवं एक्सरे के आधार पर उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने की संभावना है, जिसे जांच के लिए उज्जैन भेजा गया है। न्यूज इंडिया 9 उज्जैन से रजा खान की रिपोर्ट। पिता का नाम गुलाम। कब से चल रही? 2 रोज से। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था? अपना क्या नाम? कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था? आप भाइयों भर्ती नहीं करवाया, खाली बता के आए थे। कौन से हॉस्पिटल में? सिटी में। आज दिनांक 19 को लगभग 1 बजे पेशेंट का नाम निजामुद्दीन, पिता गुलाम हुसैन, उम्र 41 वर्ष, निवासी सब्जी मंडी, 2 दिन से निजी अस्पताल में सर्दी खांसी का इलाज करवा रहा था, जिसके अभी सारे खून की जांच तथा एक्सरे वगैरह अवलोकन करने पर संदिग्ध कोरोना का केस लग रहा है। इसको जिला चिकित्सालय उज्जैन आइसोलेशन के लिए रिफर किया जा रहा है, जहाँ पर इनकी जांच की जाएगी और जांच के बाद में इनकी सर सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी क्या मरीज? हाँ, इनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 85 है, क्योंकि साधारणतः 100% होना चाहिए, 85 में हमारा संदिग्ध लगता है कि ये केस कोरोना का हो सकता है। सर आपका नाम और पद? मैं स्वामी, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल।